नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह। इस वीडियो में मैं आपको वर्टिगो के बारे में बात करूंगा। वर्टिगो यानी चक्कर। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ये बैलेंस इश्यू है। बैलेंस इश्यू यानी मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से घूम रहे हो, या तो आपके आसपास जो भी है एनवायरमेंट्स वो पूरा घूम रहा है, इसको हम वर्टिगो बोलते हैं। वर्टिगो मेनली पोजिशनल वर्टिगो होते हैं। पोजिशनल मतलब हेड और बॉडी की मूवमेंट्स के वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे वर्टिगो है या चक्कर आ रहे हैं तो मैं किसको दिखाऊं, मतलब कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करूं। उनको कई बार लगता है कि ब्रेन का कुछ है, मगज में कुछ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर वर्टिगो कान की वजह से होता है। कान में एक लिक्विड होता है, ये लिक्विड हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ये लिक्विड के सर्कुलेशन में कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से हमें चक्कर आते हैं। अब ये क्यों होता है वो बोलना मुश्किल है, लेकिन एज के साथ उसका रिलेशन है कि एजेड लोगों को चक्कर आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। और एक रीज़न है कि कान का अंदर एक प्रेशर होता है, कान के प्रेशर में चेंजेस आने से, बदलाव आने की वजह से हमें चक्कर आते हैं। तो 80% जो चक्कर के कॉज है, वर्टिगो के कॉज है, वो कान को रिलेटेड है, नहीं कि ब्रेन को रिलेटेड। लेकिन कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है, या तो सिर का कोई रोग हो जैसे ट्यूमर वगैरह हो, उसमें भी चक्कर आने की पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा एक आपको पता हो तो टिनिटस नाम का एक सिम्टम्स है, मिनियर्स डिजीज जो जिसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को कुछ आवाज़ चलती रहती है लंबे समय तक। ऐसे रात को बैठे हो, शाम के टाइम में शांत जगह पे बैठे हो, तो कान में एक पर्टिकुलरली बर्ड का आवाज़ या कुछ कोई ना कोई अलग अलग टाइप के आवाज़ उनके कॉन्स्टेंट मन में कान में चलते रहते हैं। इसको मिनियर्स डिजीज बोलते हैं, टिनिटस बोलते हैं, और उसमें ये डिजीज में भी पेशेंट्स को चक्कर आते हैं। एक आपको कई बार हेड इंजरी हुई हो या नेक का प्रॉब्लम हुआ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिसको बोलते हैं, बहुत झुकने से काम करने की वजह से भी, तो नेक और हेड इंजरी के बाद भी कई पेशेंट्स को चक्कर आते हैं। और कुछ दवाइयाँ हम लेते हैं, लंबा टाइम समय तक कुछ दवाइयाँ लिया हो, उसकी दवाइयाँ की भी इफेक्ट कान पर होती है और उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। और कान का कोई डिजीज़ हो जिसमें जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, कान में सूजन आ जाना या इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से भी कई केस में चक्कर आते रहते हैं। तो ये हुए चक्कर के रीज़न। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है? जनरली इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कई केसेस में कुछ समय तक चक्कर रहते हैं, फिर अपने आप वो चक्कर चले जाते हैं, मतलब अपने आप पेशेंट ठीक हो जाता है, या तो शरीर, अपना बॉडी, अपना माइंड वो चक्कर को एडप्ट कर लेता है, फिर उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो चक्कर को एडप्ट कर लेते हैं। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद कई लोगों को महीनों तक हमारे पास आते थे और बोलते थे कि मुझे कुछ हिल रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। तो ये सब हुए कॉजेटिव फैक्टर्स, और जनरली अपने आप चले जाते हैं। फिर भी नहीं जाए तो एक आई की एक्सरसाइज होती है, आई की मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करने से भी चक्कर में रिलीफ मिलता है। और अब मैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊं, मैंने बहुत अच्छे केसेस ट्रीट किया है अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से। जिसको क्रॉनिक वर्टिगो, सालों से वर्टिगो हो, वो बोल रहे हैं कि हमने वर्टिन लिया, स्टुगेरॉन लिया, बहुत समय तक लिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे केसेस में मैं होम्योपैथिक दवाई देता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं यहाँ पांच एक दवाई जो होम्योपैथिक की है कॉमन दवाई, वो मैं शेयर करूँगा। मैं पहली दवाई बताऊँगा, कोनायम। कोनियम या कोनायम, ये ओल्ड एज पीपल की दवाई है। पेशेंट्स काफ़ी वीक होता है,
फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस एक ओनियम का सिम्टम्स है। पेशेंट जब भी सोने जाता है तो बेड में लेटते वक्त या लेट जाने के बाद जब बेड में पोजीशन चेंज होती है तब उसको चक्कर का एहसास होता है। थोड़ा भी सिर घुमाएगा उसको चक्कर आएंगे। सिर क्या, अगर थोड़ी भी आँख की मूवमेंट से भी चक्कर आते हैं तो आप कोनियम सोच सकते हैं। पेशेंट्स मेंटली डिप्रेस होता है, उसको ऐसा किसी में कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, न किसी से बात करने में, न कुछ पढ़ने में, थोड़ा भी पढ़ेगा माइंड से थक जाएगा। तो ऐसा डिप्रेस ओल्ड एज पीपल हो और चक्कर की शिकायत हो तो आप कोनायम नाम की दवाई सोच सकते हैं। एक और दवाई है कॉक्यूलस। कॉक्यूलस दवाई, पेशेंट जब बेड से उठता है तो उठते वक्त ऐसा फीलिंग आता है कि मैं गिर जाऊंगा, नौशिया एंड वॉमिटिंग, चक्कर के साथ उल्टी उपका होना, ये कॉक्यूलस का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। कॉक्यूलस मैं सबसे ज़्यादा जब पेशेंट ट्रैवल करते हैं, अगर आपको रोड जर्नी करना है, फ्लाइट में जाना है या कोई हिली एरिया में जाना है और वो जाने से पहले अगर आपको चक्कर आएंगे या तो नौशिया एंड वॉमिटिंग होगा, तो मैं अब सजेस्ट करता हूँ कॉक्यूलस 30 पावर की दवाई एक दिन पहले सुबह दोपहर शाम और जर्नी के वक्त आप लीजिए तो आपको ये नौशिया वॉमिटिंग से मुक्ति मिलेगी। कॉक्यूलस पेशेंट बहुत वीक होता है, उसके घर में रात को कोई बीमार है, रात को उसको 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर जागना पड़ा है और जगने की वजह से नाइट वॉचिंग जिसको बोलते हैं उसकी वजह से वीकनेस आता है एंड ये वीकनेस की वजह से चक्कर आते हैं तो आप कॉक्यूलस सोच सकते हैं। एक थर्ड दवाई बताऊंगा मैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पेशेंट, ये फॉस्फोरस भी ओल्ड एज की दवाई है। अगर ओल्ड पीपल को नौशिया वॉमिटिंग और चक्कर, इवन चक्कर के साथ पाल्पिटेशन, ये सब फॉस्फोरस के सिम्टम्स है। पेशेंट्स लीन थीन यानी दुबला पतला होगा, टॉल पेशेंट होगा, पेशेंट बोलेगा मुझे सिर में जलन होती है, ऐसे पेशेंट में आप फॉस्फोरस सोच सकते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट बहुत अच्छा पेशेंट होता है, बहुत लाइवली पेशेंट होता है, उसको कंपनी अच्छी लगती है, उसको दूसरे के लिए बहुत कंसर्न्ड होता है। अगर उसका कोई फ्रेंड बीमार हो या किसी अननोन की भी तकलीफ देखेगा तो भी उसको मदद करने पहुंच जाएगा। ऐसा सिंपैथेटिक पेशेंट है, किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को जब चक्कर वगैरह हो तो आप फॉस्फोरस नाम की दवाई सोच सकते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं और बॉडी में जलन जलन होती है तो नौशिया वॉमिटिंग पाल्पिटेशन फॉस्फोरस आप सोच सकते हैं। फोर्थ दवाई मैं बताऊंगा चीनियम सल्फ। कई पेशेंट्स को मलेरिया होता है, मलेरिया सप्रेस हो जाता है या तो मलेरिया में क्विनाइन हम यूजुअली देते हैं तो एक क्विनाइन की वजह से आपको चक्कर आए। चक्कर तो क्या, मैंने पहले भी बताया कि टिनिटस जो कान में आवाज आती है, मिनियस डिजीज, तो मिनियस डिजीज टिनिटस वर्टाइगो और मलेरिया हो तो आप चीनियम सल्फ आराम से दे सकते हैं। हेडेक का प्रॉब्लम हो तो भी आप, और उसके साथ वर्टाइगो हो तो भी चीनियम सल्फ दे सकते हैं। चीनियम सल्फ में तो इवन डेफनेस तक पहुंच जाता है टिनिटस में, तो ये टिनिटस की भी बहुत अच्छी दवाई है और वर्टाइगो की भी बहुत अच्छी दवाई है। लास्ट दवाई मैं बताऊंगा थेरिडियन। थेरिडियन पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू नॉइस, थोड़ा भी श्रील आवाज सुनेगा ना उसको कुछ हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे वो आवाज कान में नहीं पूरे बदन को पियर्स करके निकल जाता है, पूरे बॉडी में उसकी इफेक्ट आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को थेरिडियन देते हैं। थेरिडियन में चक्कर तो है ही है, साथ में टिनिटस, मिनियस डिजीज की भी अच्छी दवाई है, नौशिया वॉमिटिंग, ये सब के लिए आप थेरिडियन सोच सकते हो। और भी कुछ रीज़न है, जैसे पेट में गैस हो गया हो, कई केसेस में मैंने देखा है कि पेट में गैस की वजह से चक्कर आते हैं तो आप चाइना कार्बोवेज नाम की दवाई सोच सकते हैं। कई पेशेंट्स को सिर में ब्लड सप्लाई कम मिलता है, सिर तक ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता है, ऐसे पेशेंट्स को भी कई बार वीकनेस की वजह से चक्कर फीलिंग आती है तो उनको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
तो एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और आपको चक्कर से मुक्ति मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कोई नए सब्जेक्ट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू। मेरा नाम गुंजन दवे है, मैं बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ। मुझे वर्टिको का अटैक आया था 5-6 महीने पहले। मैं एलोपैथी में गया और उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट भी किया, मुझे बंद करवा दिया गया फ्लाइंग और सब। फिर मैं होम्योपैथी में शिफ्ट हुआ और होम्योपैथी 2 या 3 महीने लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, और अभी बहुत अच्छा फील करता हूँ।